आप ये जो नेचुरोपैथी करा रहे हैं इससे कितने पेशेंट्स का अभी तक निवारण हुआ है? हम 23 तारीख से यहाँ पर आए हुए हैं इस मेले में, करीब 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 900 पहले दिन आए थे और हमारे यहाँ 11 लोग हैं और सभी के सभी बिजी होते हैं, एक मिनट भी खाली नहीं होते हैं और करीब करीब हमने 2300 लोगों का ऑन रिकॉर्ड अभी तक इलाज कर चुके हैं और इलाज के साथ हम लोग सहारा भी देते हैं, परामर्श भी देते हैं और कुछ टिप्स भी देते हैं कि देसी चीज़ों से जो घर में आपकी पड़ी हुई हैं उनको कितना लेना है, कैसे लेना है। तो हम खाली ट्रीटमेंट नहीं देते, हम ट्रेनिंग भी देते हैं साथ साथ और उसी तरह से हम अपने सेंटर में ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट और रिसर्च भी करते हैं कि कितने दिन में कौन बीमार ठीक हुआ। तो हमारा 20 बेड का हॉस्पिटल भी है, रहने की व्यवस्था भी है, अगर ऐसे कोई बीमार हो जो आ जा नहीं सकते या दूर के हैं उनको हम रहने की व्यवस्था रखे हुए हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट से आपकी कोई एड है या गवर्नमेंट के साथ कोई सहयोग है गवर्नमेंट का आपकी? गवर्नमेंट से हम पैसा लेते हैं केवल जब योगा डे के लिए एक महीने के लिए हम दिल्ली से बाहर जाते हैं तो उसके लिए हम 1,00,000 रुपया वो महीने का देते हैं, प्रोविजन है तो उससे क्या लेते हैं। दूसरा, अब हम अपने अस्पताल को भारत सरकार आयुष मंत्रालय से हम वो करा रहे हैं, फाइनेंस कराने की कोशिश कर रहे हैं, अप्लाई किया हुआ है, इंस्पेक्शन भी हो गया है पॉजिटिव, हो सकता है कि भारत सरकार उसको अनुमोदन कर दे और अगर वित्तीय सहायता दे तो हम इस अस्पताल को, इस नेचुरोपैथी को देश के हर राज्यों में एक ब्रांच के रूप में खोलेंगे और हर राज्यों में कम से कम 20 बेड का हॉस्पिटल होगा हमारा, वो भी 3 स्टार, मैंने घर जैसा साफ सुथरा और प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक वातावरण से युक्त होगा। और आपकी ये नेचुरोपैथी का मिशन क्या है? नेचुरोपैथी का मिशन है कि हमारा स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, माँ प्रकृति ने हमें स्वस्थ पैदा किया है। हम किसी गलतियों से, चाहे जाने अनजाने में हम बीमार पड़ते हैं, उन गलतियों को कैसे प्रकृति के नियमों से ठीक किया जाए, प्राकृतिक चीज़ों से ठीक किया जाए, वही हम शिक्षा देते हैं, यही है प्राकृतिक चिकित्सा। एक और प्रश्न